फेस्टिविटीज खत्म होते ही गोल्ड डिमांड में कमी आई है और इसके साथ सोने की कीमतों की जो चमक थी वो अब फीकी पड़ गई है। दिवाली से अब तक सोने की कीमत में करीब 4000 रुपए की गिरावट आ गई है। आज सुबह जो सोने का भाव था वो 75000 के नीचे था 74750 पर। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन यानी कि IBJ के आंकड़े देखें तो भारत में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत कल शाम 5 बजे तक 10 ग्राम गोल्ड के भाव 75260 थे। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के भाव 73450 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अगर कीमतों में आई गिरावट को समझना चाहे तो आपको ये बता दें कि 23 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 81500 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था और 31 अक्टूबर को फिर गिरावट आई और 78670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना पहुंच गया। सोने में पिछले कुछ दिनों में तेजी का ये आलम रहा है कि सोना 9 अक्टूबर के बाद से 75060 के नीचे नहीं आया है। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं तो ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड के प्राइस घटे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ग्लोबल बाजार में सोने के भाव $2,566.30 पर पहुंच गए हैं। US इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पॉलिटिकल क्लेरिटी आ गई है और पॉलिसी स्टेबिलिटी आई है। फेड ने ब्याज दरें भी 0.25% से घटाई है। उधर डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ है जिससे गोल्ड की डिमांड कम हो गई है। वायदा कारोबार पर नजर डालें तो फिलहाल गोल्ड का 5 दिसंबर का फ्यूचर्स 73798 के भाव पर कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि त्योहारी सीजन के बाद सोने में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है और अब देखना होगा कि क्या वेडिंग सीजन की शुरुआत में एक बार फिर से सोने में उछाल का कारण बनेगी या नहीं। क्या आप भी सोने में ट्रेड करते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।